नानी कहती है कि जैका खराब नहीं होता और आप इसे रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? अल्लाह पाक हमेशा आपको बादशाह रखे। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक देहाती जिंदगी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं वीडियो। सो व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कुर्बानी का गोश्त कैसे बचा सकते हैं और इसे सर्दियों में खा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। वही आपने सबसे पहले गोश्त को उबाल लेना है। उबालने के बाद आगे आपको दिखाते हैं वो तरीका जैसे गोश्त को बचा सकते हैं आप, फिर उसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो 4 मंथ बाद खाएँ या 3 महीने बाद खाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले गोश्त को उबाल लेना है। आपने लेना है ये पक्का धागा। पक्का धागा लेने के बाद आपने लेनी है सुई और ये गोश्त जो उबाला हुआ है इसे धागे में परो कर आपने धूप में खड़ा कर देना है। ये मेरी दादी जान जो है ये गोश्त को परो रही हैं धागे में। खिलती क्यों है? है ना नहीं है जो बाली पे ना, क्या फायदा है? ठीक है नहीं, क्या करना है? नानी खेल दे, चंगा रहा है। मैं दे खराब नहीं थी ना, जैका खराब नहीं थी ना। नानी कहती है कि जैका खराब नहीं होता और आप इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल व्यूअर्स, नानी जान ने ये धागे में पिरो दिया। अब इसे मैं धूप में खड़ा कर देता हूँ, किसी चीज पर टांग देता हूँ। नहीं, मैं आपका कार्ड टांग चला बोला हूँ।
असल में व्यूवर्स, हमारी मादरी ज़बान जो है ना वो सराइकी है, और इसकी वजह से दादी जान जो है ना उसकी समझ आप लोगों को नहीं आएगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने गोश्त को उबाल लेना है, उबालने के बाद आपने इसे धागे में परो देना है, परोने के बाद आपने इसे धूप में खड़ा कर देना है। तो इसके बाद आप इसका इस्तेमाल 2 मंथ से 3 मंथ बाद भी कर सकते हैं, मतलब कि सर्दियों में भी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।